एक माता जी का प्रश्न है। वे कहती हैं, क्या नाम है? खुशी। खुशी को इस बात की दुखी है कि एकादशी उपवास में क्या हम दवाई का सेवन कर सकते हैं। सो महाराष्ट्र नासिक से खुशी जी पूछ रहे हैं कि एकादशी उपवास में क्या हम दवाई का सेवन कर सकते हैं। सो महाभारत ग्रंथ है जो वेदव्यास मुनि ने लिखा है, और उस महाभारत ग्रंथ में व्यास मुनि एकादशी की महिमा लिखते हैं। उस एकादशी की महिमा के अंतर्गत व्यास मुनि ने लिखा है कि एकादशी के दिन यदि आपका शरीर खतरे में हो, बस आप मरु मरु हो रहे हो, बस अब इसको शमशान लेकर ही जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी अवस्था है तो आप दवाई ले सकते हो। यदि आवश्यकता नहीं तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि शरीर खतरे में हो तो एकादशी के दिन उपवास करते हुए आप औषधि ले सकते हैं। एकादशी के दिन पंचगव्य ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फराल ले सकते हैं, और व्यास मुनि ने अंत में लिखा औषधि ले सकते हैं। इतने भी लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए कि चाहे हम बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, मर जाए, लेकिन नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो व्यास मुनि ने बड़ा प्रैक्टिकल उत्तर दिया कि औषधि ले सकते हैं। सो इस प्रकार से एकादशी उपवास, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यदि कोई निर्जला एकादशी करता हो तो निर्जला के दिन भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ चरणामृत ले सकता है। निर्जला के दिन भी चरणामृत, लेकिन चरणामृत मतलब वो हाथ में जितना आता है। कुछ लोग कहेंगे चरणामृत है तो आधा लीटर पी जाऊंगा तो निर्जला भी हो जाएगी, और दोनों नहीं, वो हाथ में चरणामृत ले सकता है।